मुझे ऐसा लगा कि आप लोग इजारे में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें जाकर के आप लोग फंस जाते हैं, और आप लोगों का सोच ये होता है कि एज मीन्स सिर्फ है होता है, आर मीन्स सिर्फ है हूँ होता है, और ए मीन्स हूँ होता है। हालांकि इसको मैं पूरा डिटेल्स में लिख दिया हूँ, आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। अब जैसे कि एज मीन्स है होता है, लगता है लगती है, आर मीन्स हैं हो होते हैं, लगते हो लगते हैं, ए मीन्स हूँ लगता हूँ लगती हूँ। अब यहाँ पर इस हम एक क्वेश्चन डालते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर कि मैं यहाँ आकर खुश हूँ। अब मैं जैसे ही क्वेश्चन दिया, आपके मन में सवाल क्रिएट हुआ कि सर इसको हम बनाना कहाँ से शुरू करेंगे कि ये सही हो जाएगा, और कहाँ से बनाना शुरू करेंगे कि ये गलत हो जाएगा। तो बेटा सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, इस क्वेश्चन को डिवाइड करेंगे। जैसे कि नंबर एक में मैं, दो में हूँ, क्या हूँ तो खुश हूँ, कैसे तो कर, क्या कर आकर, कहाँ आकर यहाँ। अब यहाँ पर एक नंबर में मैं है तो इसके अंग्रेजी हम आई लिखेंगे, नंबर दो में हूँ है तो हम इसके अंग्रेजी हम लिखेंगे, नंबर तीन में खुश है तो हम इसके अंग्रेजी बेटा हैप्पी लिखेंगे, चौथे नंबर में कर, थोड़ा सा कर को समझ लेते हैं। एक करना होता है और एक कर होता है। अगर करना होगा तो उसकी अंग्रेजी हम डी ओ लिखेंगे, डी ओ। अगर कर रहेगा तो उसकी अंग्रेजी हम टी ओ लिखेंगे। पांचवें नंबर में आना है तो कम लिखेंगे, छठे नंबर में यहाँ है तो हम हेयर लिखेंगे। अब आप यहाँ पर एक सवाल करेंगे कि सर एक बात ये बताया जाए कि हम कैसे जानेंगे एक नंबर में ये बनेगा, दो में ये बनेगा, तीन में ये, चार में ये, पाँच में, छः में ये बनेगा, सर इसके बारे में बताया जाए। अगर इतना हम सर हम जान जाएंगे तो हम खुद से बना सकते हैं। तो समझते हैं, जब भी एक नंबर अगर जानना हो तो हम एक नंबर को बेटा कौन के माध्यम से पकड़ने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, तुम कॉलेज जाते हो, कॉलेज कौन जाता है, तो एक नंबर में तुमको समझ लेंगे। उसी तरह से वह गीत गाकर खुश है, खुश कौन है तो वह गीत गाकर खुश कौन है तो वह, उसी तरह यहाँ आकर खुश कौन है तो मैं, तो कौन से आप पर पकड़ लेंगे। तो जब भी आपको एक नंबर पकड़ना हो तो आप कौन के माध्यम से पकड़ लेंगे, उसी तरह से हाँ इसमें हम आपको सिखाते हैं। सम्मान पाकर खुश कौन है तो हम लोग, तो जब भी एक नंबर पकड़ना होगा तो इसको हम कौन के माध्यम से पकड़ लेंगे। जैसे चलिए भाई क्वेश्चन पर गौर करते हैं, तो नंबर एक में यहाँ पर हम लोग हैं तो वी लिखेंगे, नंबर दो में है तो यहाँ पर हम आर लिखेंगे, नंबर तीन में ये खुश है तो हैप्पी लिखेंगे, चौथे नंबर में कर है तो टू लिखेंगे, और पांचवें नंबर में पा यानी पाना, तो पाना है तो इसके अंग्रेजी हम गेट लिखेंगे, छठे नंबर में सम्मान है तो बेटा हम इसके अंग्रेजी रेस्पेक्ट लिखेंगे। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर गौर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम यहाँ आकर खुश हो, इसको भी डिवाइड करते हैं। नंबर एक में तुम, दो में हो, क्या हो तो खुश हो, कैसे तो कर, क्या कर आकर, कहाँ आकर यहाँ। अब यहाँ पर तुम है तो इसकी अंग्रेजी यू लिखेंगे, नंबर दो में हो है तो उसी तरह आप आर लिख लीजिए यहाँ पर, नंबर तीन में खुश है तो हैप्पी लिख लीजिए, कर है तो टू लिख लीजिए, पांचवा नंबर में आना है भाई तो कब लिख लीजिए, यहाँ है तो हेयर लिख लेते हैं। फिर से समझ लेते हैं एक बार हम, ताकि आपको कभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। अगर यहाँ पर तुम नहीं होता तो यू नहीं होता, एकदम सिंपल सी बात है। अगर यहाँ पर हो नहीं होता तो आर नहीं होता, नंबर तीन में खुश नहीं होता तो बेटा ये हैप्पी नहीं होता, कर नहीं होता तो टू नहीं होता, आना नहीं होता तो कब नहीं होता, यहाँ नहीं होता तो फिर यहाँ पर हेयर नहीं होते। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर गौर करते हैं कि वह यहाँ आने के लायक है। एक में वह, दो में है, क्या है तो लायक है, किस चीज़ के तो आने के, कहाँ आने के, यहाँ। तो वह तुम क्या लिखेंगे, ही वह नहीं तो ही नहीं, दो में है तो इज लिखेंगे, है नहीं तो इज नहीं, नंबर तीन में लायक है तो इसके अंग्रेजी बेटा हम क्या लिखेंगे, एबल टू। उसके बाद आना है तो आना के अंग्रेजी क्या लिखेंगे हम, ये कम लिखेंगे, और पांचवें नंबर में हाथ हम हेयर लिखेंगे। फिर से समझ लेते हैं, वह नहीं होता तो ही नहीं होता, और दो में है नहीं होता तो इज नहीं होता, तीन में लायक नहीं होता तो एबल टू नहीं होता, आना नहीं होता, आना ही आना बात बराबर ही है, आना अगर नहीं होता तो बेटा यहाँ पर कम नहीं होता, पांचवें नंबर में यहाँ नहीं होता तो फिर यहाँ पर हेयर नहीं होता। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम गौर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैं क्रिकेट खेलकर खुश हूँ,
इसको भी बेटा हम डिवाइड करते हैं, नंबर एक में मैं, दो में हूँ, क्या हूँ तो खुश हूँ, कैसे तो कर, क्या करके तो खेल करके, क्या खेल करके क्रिकेट। अब यहाँ पर मैं थे इसकी अंग्रेजी में आई डाल दिया हूँ, दो में हूँ है तो एम लिखेंगे, नंबर तीन में खुश है तो मैं पी लिखेंगे, चौथे नंबर में कर है तो बेटा टू लिखेंगे, पाँचवा में खेल है तो आप यहाँ पर पले लिख लीजिए, छठा नंबर में क्रिकेट है तो यहाँ पर हम क्रिकेट लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अब आपको। चलिए आगे बेटा हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर गौर करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा समझने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुम्हारा भाई कलम खरीद कर खुश है, एक में तुम्हारा भाई, तुम्हारा और भाई दोनों एक नंबर में ही होना चाहिए, एक नंबर में तुम्हारा भाई, दो नंबर में है, क्या है तो खुश है, कैसे तो कर, क्या कर खरीद कर, क्या खरीद कर कलम। अब यहाँ पर तुम्हारा भाई की अंग्रेजी क्या लिखेंगे हम, योर ब्रदर लिखेंगे, नंबर दो में है तो ईजी लिखेंगे। थोड़ा सा इस जगह पर हम रुकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, वो करते क्या है कि ब्रदर के बाद यहाँ पर आर लगाते हैं, उनसे पूछा जाता है कि भाई यहाँ पर आर क्यों लगाए हो, तो डायरेक्ट क्या जवाब देते हैं कि सर योर के साथ आर ही ना लगता है। तो हम आपको एक बात ये बताना चाहते हैं कि योर के साथ ईज लगाना भी गलत है, योर के साथ आर लगाना भी गलत है। अब सवाल पैदा होता है कि आप ये फिर पूछेंगे कि सर आप तो दोनों बात बोले कि ईज लगाना भी गलत है, आर लगाना भी गलत है, तो फिर आप ईज क्यों डाल दिए। तो इस बात पर बेटा हम गौर करते हैं, हमको ये देखना है कि तुम्हारा के बाद यहाँ पर एक ही भाई है, यहाँ पर ये ईद जो लग रहा है वो भाई के लिए लग रहा है, तुम्हारे के लिए नहीं लग रहा है। अब यहाँ पर ये भाई है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अगर यहाँ पर भाई लोग होता तो फिर यहाँ पर क्या करते हैं, ब्रदर्स लिखते, फिर यहाँ पर क्या डालते हैं, हम आर डालते हैं। और वो ईद जो आ रहा है ये ब्रदर के लिए आ रहा है, योर के लिए नहीं आ रहा है। तो फिर से देख लेते हैं, नंबर एक में तुम्हारा भाई है तो योर ब्रदर है तो ईज लिखेंगे, नंबर तीन में खुश है तो हैप्पी लिखेंगे, कर है तो टू, पांचवें नंबर में खरीदना है तो भाई बाई लिख लो, छठे नंबर में कलम है तो ए पेन लिख लो। चलिए आगे देखते हैं, हम थोड़ी देर पहले हम आपसे भाई और भाई लोग की बात की, जैसा कि हम यहाँ पर एक एग्जांपल हम डाल दिए ताकि आपको जो है योर में ये समझ में आ जाए कि ईच कब लगता है यार कब लगता है। जैसे कि तुम्हारे भाई लोग, एक में तुम्हारे भाई लोग, दो में है, क्या है तो खुश है, कैसे तो कर, क्या कर बोल कर, क्या बोल कर सच, तो तुम्हारे भाई लोग थे बेटा हम इसके अंग्रेजी योर ब्रदर्स लिखेंगे, और भाई एक से ज्यादा है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। अब यही यहाँ पर भाई लोग नहीं, भाई अगर होता तो फिर यहाँ पर हम ब्रदर से एस हटा देते और आर के बदले बेटा हम यहाँ पर ईज डाल दें, लेकिन यहाँ पर भाई लोग हैं इसलिए मुझे आर लिखना पड़ेगा। और नंबर तीन में खुश है तो हैप्पी लिखेंगे, चौथे नंबर में कर है तो टू लिखेंगे, पाँचवा नंबर में बोलना है तो बोलना के अंग्रेजी टेल लिखेंगे। कभी कभी आप लोग ये सवाल करते हैं कि सर एक बात ये बताया जाए कि हम स्पीक कब लिखा करेंगे और टेल कब लिखा करेंगे, तो इस बात को आप पहले समझ लीजिए। पहले आप अब जैसे कि स्पीक का प्रयोग हम किसी लैंग्वेज के लिए, भाषा के लिए करते हैं, अगर भाषा अगर नहीं हो तो उसके लिए हम क्या लिखा करते हैं, टेल लिखा करते हैं। हम आपके सामने में दो एग्जाम्पल डालते हैं, एग्जाम्पल नंबर वन मैं हिंदी बोलता हूँ, एग्जाम्पल नंबर दो मैं सच बोलता हूँ, तो दोनों में लैंग्वेज किसमें है, तो मैं हिंदी बोलता हूँ ये लैंग्वेज है, तो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे भाई, स्पीक लिखेंगे, लेकिन ये और सच और झूठ जो होता है ये कोई लैंग्वेज नहीं होता, इसलिए आप क्या काम करेंगे भाई, आप टेल लिखेंगे, स्पीक नहीं लिखेंगे। चलिए आगे चलते, छठे नंबर में सच है तो दितरुत लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर गौर करते हैं, तुम मेरी बहन लगती हो, नंबर एक में तुम है तो यू लगती हो, यहाँ पर हम लगती हो चाहे लगते हो चाहे लगते हैं, लगते हैं लगे हो, इसके लिए भी हम क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। तो नंबर एक में तुम है तो यू लिखेंगे, लगती हो तो हम आर लिखेंगे, मेरी बहन तो माई सिस्टर लिखेंगे। चलिए आगे गौर करते हैं, वह मेरा भाई लगता है, एक में वह, दो में लगता है, क्या लगता है, मेरा भाई, वह है तो बेटा हम ही लिखेंगे, नंबर दो में लगता है तो हम ईजी लिखेंगे, और उसके बाद क्या है, मेरा भाई है तो माई ब्रदर लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, बेलो कुछ काम से यहाँ है, एक में बेलोग, दो में है, क्या है तो यहाँ है, क्यों है भाई, तो कुछ काम से, बेलोग है तो दे लिखेंगे, अब यहाँ पर है तो इसके अंग्रेजी आर लिखेंगे, यहाँ है तो हेयर लिखेंगे, कुछ काम से है तो विद, शम, बिजनेस लिखेंगे। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आपको इस बारे में इस टाइप का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हम चाहते हैं कि आपके साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये सीखने का मौका मिले, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इसको मतलब शेयर करना नहीं भूलें। मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।